हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूनलाइट गेमिंग अगेन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस गेम में पबजी पीसी लाइट में आप रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हो। तो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गेम को लेंगे और उसके साथ 2x स्कोप लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम सबको पता है कि एक गेम का रिकॉइल काफ़ी हाई है, तो बेसिकली अगर आप एक गेम का रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट एन AKM। हम लोग कोई अटैचमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ स्कोप लेंगे, ठीक है। AKM 7.62 कहाँ है, AKM कहाँ है बे, AKM हाँ ये रहा AKM, ठीक है। अबे यार इतना गोलियां मत चलाओ, कान दुख जाते हैं। तो आपसे हम AKM ले लिए। अरे थोड़ा साउंड को कमा देता हूँ, हाँ ठीक है। कुछ और बुलेट्स ले लेते, रुकिए जरूरत पड़ेगा स्प्रे में। कितने बुलेट्स है, ठीक है और कुछ ले लेते हैं। अच्छा एक बैग ले लेता हूँ, फिर इतना लेने देगा नहीं तो देगा नहीं लेने मेरे को, ठीक है। 120 बुलेट्स काफ़ी होंगे, तो ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है, मैं आगे जा के आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ भूल गया, मैं स्कोप नहीं लिया मैंने। यहाँ पे एक 2x ले लेता हूँ। 2x कहाँ पे है, 2x ये रहा 2x, ठीक है। चलिए शोर से दूर जाते हैं और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली रिकॉइल कंट्रोल के लिए तीन स्टेप होगा। पहला बात है आपको क्राउच मोड में रहना पड़ेगा, ओके। क्राउच मोड आपको रहना ही पड़ेगा, ये स्टेप वन आपको याद रखना है। स्टेप टू है, आप जब भी फायर करोगे अपने गन से आपको शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, आपका जो ब्रीथ कंट्रोल है आप देख सकते हो। अब देखिए अभी मैंने ये माउस को स्टैंड बाय में रखा, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा जो एम है वो अप डाउन ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ब्रीथ मूवमेंट बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ओके। देखिए अभी नहीं हो रहा है मूवमेंट, देखा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के रखा है। तो बेसिकली मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, तीन स्टेप है। पहला स्टेप है आपको क्राउच में रहना पड़ेगा, दैट इज सी दबा दीजिए उसके लिए, और फिर आपको शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा जब आप फायर करोगे, मतलब आपको ब्रीथ कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरा है जब आप फायर करोगे तो आपको माउस को नीचे की तरफ खींचना है, मतलब आपको माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम नॉर्मली शूट करेंगे, मतलब कुछ नहीं दबाएंगे, तो देखेंगे कि बुलेट का स्प्रेड कैसा जाता है, ठीक है। इस पर करते चलिए, आप लोग देख सकते हो मेरा बुलेट कहाँ चला गया, नीचे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ जा के ऊपर चला गया। तो ये तब होगा जब आप अपने रिकॉइल को कंट्रोल नहीं करोगे, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंट्रोल करूंगा। तो पहला मुझे सी दबाना पड़ेगा, दैट इज़ मुझे क्राउच होना पड़ेगा, हो गया। इसके बाद मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा, मैंने दबा लिया। अब मैं जब शूट करूँगा, शूट करने के टाइम में मैं अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, जिससे क्या होगा रिकॉइल नहीं होगा। अब देखिए अभी देख सकते हो आप, देखिए सब बुलेट्स यहीं पे लगे हुए, ठीक है ना, इस अराउंड में लगे थे, ठीक है। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, तीन स्टेप है, बेसिक बहुत इजी है ये। पहले आपको क्राउच होना पड़ेगा, दैट इज सी दबाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ओके। और तीसरा बात, जब आप फायर करोगे यानी शूट करोगे, आपको माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ओके। पहले मैं क्राउच हो गया, सी दबाया, फिर मैं शिफ्ट दबाया, जिससे मेरा ब्रीथ कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैं जब शूट करूंगा, शूट करने के उसी टाइम में माउस को नीचे की तरफ मैं उसको ड्रैग करूंगा, ओके। ये किया, देखिए अभी मैं अभी माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जिससे रिकॉइल बहुत कम होगा। देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए कितना ईजी है रिकॉइल करना। तो मैं ये तीन स्टेप फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। पहला आपको क्राउच होना पड़ेगा, दैट इज सी दबाना पड़ेगा। इसके बाद आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, जिससे आपका ब्रेथ कंट्रोल होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब आप शूट करोगे या फायर करोगे, आपको अपना माउस करना है। फिर से मैं लास्ट दिखाता हूँ, देख लीजिए, मैंने सी दबाया, क्राउच हुआ, शिफ्ट दबाया, अभी मैं जब शूट करूँगा माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ओके। देखिए देख सकते हो, तो बहुत ईजी है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो से आप रिकॉइल कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को,
फ्री है भाई, कर दीजिए सब्सक्राइब। और इस तरह का मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाते रहूँगा PUBG PC Lite स्पेसिफिकली। तो गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।